Good morning, students. Today I am going to learn GK fifth class. Last class I teach to you somebody element in Kushari Bimari and the world of three pure ki duniya. दो पेज पढ़े हुए थे. आज हम लोग फ्रॉम थ्री यानी तीन से रिलेटेड कुछ है क्वेश्चन का जिक्र करेंगे. फ्रॉम थ्री हियर आर सम कॉमन आइटम्स ऑफ एवरीडे. यहां हम लोग रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सामान्य वस्तुएं प्रत्येक दिन यूज करते हैं. यूज डाइट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स मटेरियल जो किसी ना किसी रूप से प्लांट से या प्लांट पर ही निर्भर करता है यानी प्राप्त होता है. इस चैप्टर में दो पार्ट दिए गए हैं, मैच करना है आपको. एक साइड में प्रोडक्ट और वह किससे प्राप्त होता है, वह फिगर और नेम दोनों है. जैसे दिया है टूथपेस्ट फर्स्ट, टूथपेस्ट टूथपेस्ट यह प्राप्त होता है मिंट से. सेकेंड में है कुकिंग वायर यानी खाना बनाने वाला तेल. कुकिंग वायर यह किससे प्राप्त होता है, फिगर जो दिया है इसी फिगर से चुनेंगे हम लोग. इसी बुक में जो फिगर दिया है इससे फिगर से हमको बताना है कि कौन सी का फिगर है और नेम भी दिया है. ऐसे बाल को बहुत इससे मिलता है, लेकिन इसमें जो दिया है इसमें कोकोनट दिया है तो यहाँ लिखेंगे कोकोनट. ट्रेन है फर्नीचर. फर्नीचर किस चीज से प्राप्त होता है, तो ट्री के पेड़ है इससे यह प्राप्त होता है. फोर्थ में है पेपर. पेपर जो है वह एक पेड़ होता है, पेपिरस जो आपके बुक में दिया हुआ है. से प्राप्त होता है. आयुष में है मेडिसिन. मेडिसिन जो है वह इसमें जो दिया है उन्हें जो मलेरिया रोग में दिया जाता है. इससे प्राप्त होता है और इसके बाद सिक्स में परफ्यूम इत्र जिसको हम लोग कहते हैं. नहीं समझ रहे हैं इत्र तो सेंट समझते हैं वही बात. यह हमको कौन से प्राप्त होता है, जस्मीन. यह इसमें जो दिया है उसके अनुसार यह फूल है, इसे फूल से प्राप्त होता है. सेवन में है टायर. किसी भी चीज का टायर, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, बस हो, जीप हो, कार हो, सब चीज
में जो टायर होता है वह किससे प्राप्त होता है? रबड़ से बनता है। वह उसके बाद है शुगर यानी चीनी, किससे प्राप्त होता है जानते हैं ना? शुगर के यानी ईंट खाए हैं, गांव में मिलता है, इसे गांव में भी बिकता है। शुगर के से प्राप्त होता है शुगर। नाइन में है रोप्स, क्या होता है रॉक्स? रस्सी। या किस चीज से प्राप्त होता है? या आप गांव में जो रहता है, गांव में बिलोंग करता है, जानते होंगे जूट होता है, जूट जिसको पटुआ भी कहते हैं, पटुआ इंग्लिश में उसको जूट कहते हैं। या जब तैयार हो जाता है तो इसको काट के पानी में इसको दबा कर रखते हैं, कुछ दिन के बाद यह सड़ जाता है तो इसके ऊपर का जो छाल होता है उसको हटाकर और धोकर धूप में सुखा देते हैं। सूखने के बाद उससे रस्सी बनाते हैं और यह रस्सी के रूप में एवट होता है। और लास्ट है टेन क्लॉथ्स, क्लॉथ्स यानी कपड़ा। कपड़ा कौन चीज का बनता है? रही जो इस बुक में आपको दिया है इसी में से चुनकर लिखना है। कॉटन रुई, रुई होता है उससे उत्पन्न होता है कॉटन। अब आइए नेक्स्ट, अब याद करते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा पड़ेगा याद हो जाएगा, एक बार कम नहीं पड़ेगा इसे। होम्स फॉर प्लांट्स, होम्स फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए इसका निवारण कर आगे इसके हम लोग बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या बता रहा है। देयर आर डिफरेंट नेम ऑफ प्लेस रिलेटेड टू प्लांट, पौधे से संबंधित स्थानों को अलग अलग नाम से जानते हैं। राइट द नेम द कंप्लीट द क्रॉस वर्ड, उनका नाम लिखना है नीचे डाउनवर्ड और अपवर्ड में एक क्रॉस में लिखा हुआ है, उस सेंटेंस को पढ़ें और उससे रिलेटेड नाम इस फिगर में दिया हुआ है, उस फिगर के अनुसार उस फिगर को देखकर उसका नाम इसमें आपको डाल। ओके बढ़े अच्छे है। ए ग्रेरी लैंड वेयर इन माय देश, यानी एक खास वाला भूमि जहां जानवर चलते हैं उसे क्या कहते हैं? पास्चर। यहां जो घास होता है वहां जानवर चलते हैं उसी को कहते हैं। सेकंड में ए प्लेस वेयर ग्रेप्स आर ग्रोन, वह स्थान जहां फूल उगाए जाते हैं, क्या कहते हैं उसको? वाइन बार्ड, ग्रेप एंड ड्रोन, अंगूर बा अंगूर अंगूर उगाए, वाइन यार्ड। थ्री में है एक प्लेस वेयर फ्लावर वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट आर ग्रोन, वह स्थान जहां फूल और सब्जियां या अन्य पौधे भी उगाए जाते हैं, जहां फूल सब्जी और अन्य पौधे को
उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? आप लोग जानते हैं उसे कहते हैं गार्डन। अब आइए फोर में है, ए ग्लास विदिन इन फीट प्लांट्स आर ग्रोन टू शेप देम फ्रॉम बैड वेदर। एक शीशा जैसा मकान जो पौधों को खराब मौसम से बचाने के लिए बनाए जाते हैं उसे मकान को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस। ए लैंड वेयर फ्रूट्स ट्री आर ग्रोन, एक ऐसी भूमि जहां फलों के पेड़ उगाए जाते हैं। ओनली फॉर फ्रूट्स ट्री यानी ऐसा स्थान जहां केवल फलों के पेड़ उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑर्चर्ड। लिखें इसको, जंगल टाइप का जहां अधिक से अधिक पेड़ हो उसी को आच्छादित करते हैं उसे क्या कहते हैं? फॉरेस्ट। जंगल में देखते हैं ना पेड़ों की संख्या बहुत अधिक होते हैं ना, फॉरेस्ट। और सेवन में ए लैंड वेयर वी ग्रो crops and rear useful or domestic animal। एक land here, एक ऐसी भूमि where we grow crops and rear useful or domestic animal, जहां फसल उगाए जाते हैं और यहां उपयोगी या घरेलू जानवर भी होते हैं यानी जहां खेती होता है और कृषि से रिलेटेड पशु भी होते हैं उसे क्या कहते हैं? पार्क। ए लैंड वेयर यंग प्लांट्स आर ग्रोन एंड शोड, एक ऐसी भूमि जहां जुआ पौधा यानी बड़ा पौधा उगाए जाते हैं और ग्रोन टू सोल्ड और बेची भी जाते हैं इसे क्या कहते हैं? नर्सरी। नर्सरी में छोटा छोटा पौधा को बड़ा बना दिया जाता है और उसको बेचता है नर्सरी और हम आप खरीदते हैं अपने यहाँ फार्म यानी खेत में लगाते हैं उसके बाद वह पौधा तैयार होता है तो फल को जो भी देता है। तो आज इतना ही, अगले दिन हम लोग अगले चैप्टर में आएंगे। लिख लीजिए डायरी में, डू शैल वर्क।